नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और इस वक्त हम खड़े हैं शिक्षा के मंदिर में, वो मंदिर जहां बच्चों के सुनहरे भविष्य की इबारत लिखी जाती है, वो मंदिर जहां से बच्चे कुछ सीख कर, कुछ समझ कर एक बेहतर भविष्य का, एक बेहतर समाज का और एक बेहतर देश का निर्माण करते हैं। तो आज हम खड़े हैं जीएलए कॉलेज परिसर के बीएच कंपाउंड में और यहाँ पर एक इतिहास रचा जा रहा है। और इतिहास सकारात्मक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये तकलीफ दे सकता है, थोड़ा सा ये आपको निराश कर सकता है। आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसी परीक्षा जो पहले ली जा चुकी हो, उसका रिजल्ट निकाला जा चुका हो, उसके बाद फिर से जब बच्चों को सूचना मिलती है, विद्यार्थियों को सूचना मिलती है कि आपको फिर से उसी पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर से आपको सारी तैयारी करनी पड़ेगी, कैसा गुजरेगा। हम सब कभी ना कभी विद्यार्थी जीवन से गुजरे हैं और एक बार एग्ज़ाम देने के बाद, मार्कशीट ले लेने के बाद अगर दोबारा हमें फिर से एग्जामिनेशन हॉल में बैठना हो तो कल्पना कीजिए कैसा दृश्य होगा। तो इसी मुद्दे को आपके सामने लाने के लिए एक बार फिर से आपका पसंदीदा कैपिटल न्यूज आ पहुंचा है जीएलए कॉलेज परिसर में। बीएड का ये कॉलेज है और इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जीएलए कॉलेज के परीक्षा विभाग के नियंत्रक प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार सिंह सर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और उन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे कि आखिर कहाँ पेच है, आखिर कहाँ विवाद है, आखिर कहाँ कमी है जहाँ छात्र और प्रबंधन के बीच इस तरह उहापोह की स्थिति बनी है और दोबारा से छत के नीचे फिर से छात्र और छात्राएं एकत्रित हुए हैं। हम आपको पूरी बातचीत सुनाएंगे। सबसे पहले स्वागत है सत्येंद्र सर आपका। थैंक यू। एक लंबा जीवन अनुभव रहा है आपका, आपने बहुत सारे एग्जाम कंट्रोल किए हुए हैं एज एग्जाम कंट्रोलर। क्या इससे पहले ऐसी कोई तस्वीर बनी है जीएलए कॉलेज के इतिहास में? रिजल्ट निकलने के बाद ये पहली घटना है कि ये इसका सामना हम लोग करना पड़ रहा है। ये जीएलए कॉलेज का ये नहीं है, कुमारेश बीएड कॉलेज का है जी, जो कि वहाँ प्रबंधन और छात्रों के बीच आपस में समन्वय नहीं बन पाया और इसके चलते विश्वविद्यालय द्वारा आदेश दिया गया कि आपको यहाँ एग्ज़ाम लेना है। उसी के तहत हम यहाँ परीक्षाएं लोग का ले रहे हैं। तो इस दुर्घटना बोलूँगा, ये दुर्घटना ज़्यादा सही उपयुक्त शब्द होगा, इस दुर्घटना को, इस तालमेल के अभाव को किस रूप में देखते हैं? आप एक प्रोफेसर भी हैं, आपने कई बच्चों को निकाला है यहाँ से, अच्छा भविष्य दिया, तो इसे किस रूप में देखते हैं आप? इसको बड़े शिक्षा के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि रिजल्ट प्रकाशित हो चुका, अब प्रबंधन इसमें पूरा इसको सहयोग नहीं कर पाया, आपसी बच्चों के साथ लोगों का समन्वय स्थापित नहीं हो पाया, इसके चलते ये घटना घटी है और ये भविष्य में न हो, हम लोग यही चाहेंगे इस तरह की घटना पुनरावृत्ति न की जाए। तो क्या महाविद्यालय और छात्र छात्राओं के बीच संबंध और समन्वय इतना खराब हो सकता है कि एक एक पहले से ली जा चुकी परीक्षा को फिर से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, फिर से सारे बच्चों को बिठाया जा रहा है एग्ज़ाम में, क्या इतना संबंध खराब हो सकता है महाविद्यालय और बच्चों के बीच? नहीं नहीं, संबंध देखिए संबंध बनाना पड़ता है। अब कारण है कि जो कोई भी संस्थान है वो दो चीज़ से चलता है, विद्यार्थी से ही चलता है संस्थान, और विद्यार्थी और प्रबंधन के बीच में अगर समन्वय स्थापित नहीं होगा तो आपस में टकराव की स्थिति बनी रहेगी। आज ये नौबत आई है कुमारेश बीएड इंटर बीएड कॉलेज का, तो कारण यही है और कोई कारण नहीं है। तो आपने सुना आपसे प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार सिंह जो परीक्षा नियंत्रक भी हैं, लंबा जीवन अनुभव रहा है, बहुत सारे एग्जाम इन्होंने कराए हैं अपने जीवन काल में, और इनका कहना है कि ये जो तस्वीर बन रही है, ये जो रिजल्ट अभी सामने आया है कि पुनः परीक्षा लिया जा रहा है, ये कतई शिक्षा के हित में अच्छा नहीं है। धन्यवाद सत्येंद्र सर, और हम उम्मीद करेंगे कि इस इतिहास की पुनरावृत्ति कभी ना हो। हम चूँकि क्लासरूम में खड़े हैं और मैं चाहूँगा हमारे सहयोगी से कि एक बार अपने कैमरे से आप यहाँ मौजूद सारे छात्र छात्राओं को भी अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास करें, और आइए हम इनकी तकलीफ़ को, इनके अंदर की जो कसक है, इनके अंदर की जो पीड़ा है, उसको भी कैमरे पर लाने का, उकेरने का प्रयास करते हैं कि आखिर कहाँ चूक हुई, आखिर कहाँ कमी हुई कि इन बच्चों को फिर से यहाँ पर आना पड़ा और आकर के अपना एग्ज़ाम देना पड़ा। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आकाश कुमार हुआ। आप दोबारा परीक्षा दे रहे हैं? जी हाँ, दोबारा पुनः प्रायोगिक परीक्षा दे रहे हैं। तो प्रायोगिक परीक्षा को दोबारा देने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या हुआ था? देखिए कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधन द्वारा कमी की गई थी, इसी के कारण पुनः प्रायोगिक परीक्षा एनपीयू के द्वारा ये कंडक्ट किया गया। कहीं ना कहीं असमंजस पैदा हुई और हमारे और प्रबंधन के बीच में एक रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बन पाई, कहीं ना कहीं चूक हुई है प्रबंधन से, इसके कारण एनपीयू ने यह
निर्देश निकाला कि पुनः प्रायोगिक परीक्षा हो, और जो भेदभाव हम लोगों के साथ हुआ पिछले प्रैक्टिकल एग्जाम में वैसा आगे ना हो, इसीलिए उनका सेंटर भी यहाँ जीएलए कॉलेज में दिया गया। इस पूरे मामले को कैपिटल न्यूज में पहले भी प्रमुखता के साथ उठाया था, दिखाया था आप सबों को, मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं लिए चलूँगा, लेकिन यहाँ जो वर्तमान में एक दृश्य बन रहा है, वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, वैसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट आउट होने के बाद, जिनका मार्कशीट मिलने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दाखिला करवाया होगा, कहीं ना कहीं वो किसी स्कूल में गए होंगे, उन विद्यार्थियों को कितनी तकलीफ हुई होगी? सर, तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग पीजी के लिए, एमए के लिए जो हमें एग्ज़ाम के लिए देना था, एडमिशन के लिए देना था, वो प्रक्रिया से हम लोग जूझ रहे हैं। हमसे टीसी सीएलसी मांगी जा रही है, हमसे मांगी जा रही है वहाँ पे जो मार्कशीट होते हैं, लेकिन हम अपने दुख को, इस व्यवधा को हम बयान नहीं कर पा रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। वहाँ कहनाम ये हो रहा है कि जब आपने एग्ज़ाम दिया तो इतने लेट से आपके पास टीसी और सीसी क्यों नहीं मिल पाए, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। और देखा जाए तो इस तरह से आगे भविष्य में हम लोगों के साथ जो इस मंजस हम लोग झेल रहे हैं, जो पीड़ा हम झेल रहे हैं, वैसा हम कोशिश करते हैं, आशा करते हैं इस एनपीयू प्रबंधन से कि आगे इस तरह से हम लोगों के भविष्य के साथ छेड़खानी ना की जाए। बिल्कुल, और संक्षेप में मैं बता दूं कि यहाँ भी विद्यार्थियों का जो खेमा था वो दो भाग में बटा हुआ था। विद्यार्थियों का एक पक्ष एग्ज़ाम को फिर से कराने की मांग पर अड़ा था, तो वहीं विद्यार्थियों का जो दूसरा पक्ष था वो कदापि नहीं चाहता था कि फिर से उन्हें एग्ज़ाम देना पड़े प्रायोगिक परीक्षा का। लेकिन तमाम हाँ ना के बाद आखिरकार इन विद्यार्थियों को एक छत के नीचे एकत्रित होना पड़ा। हमारे साथ बहुत सारी छात्राएँ भी हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा पक्ष जानने का प्रयास करेंगे, हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। आप भी दोबारा एग्ज़ाम दे रही हैं यहाँ पर? सॉरी, मेरे को कुछ नहीं बोलना। विद्यार्थी इतने असमंजस में हैं कि कैमरे पर आकर के कुछ बोलना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। इससे आप इनकी मनोदशा का अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप भी दोबारा एग्जाम दे रही हैं यहाँ पर, कैसा अनुभव है आपका ये? बोलिए, बोल सकती है। क्या बोले सर? दोबारा एग्जाम दे रही हैं आप भी यहाँ पर? यस सर। अच्छा, तो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था? इससे पहले वो सर, सॉरी सर, मत पूछिए ना इतना क्वेश्चन। विद्यार्थियों की मनोदशा का अंदाज़ा लगाइए कि विद्यार्थी इस बात को याद भी नहीं करना चाहते हैं, इस बात को चेहरा इन्होंने घुमा लिया। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, और ये बीएड के छात्र हैं जो यहाँ से निकलने के बाद समाज की रचना करेंगे, समाज को गढ़ेंगे, एक बेहतर शिक्षक बनेंगे। हमारे साथ एक और यहाँ पर युवक मौजूद है, हम इनसे चाहेंगे कि थोड़ा इनका भी जो व्यू है, इनकी भी जो सोच है वो आपको, आप तक लेकर आए। जी देखिए, सबसे पहली बात मेरे को इतना ही कहना है, गलतियाँ यूनिवर्सिटी किया, कॉलेज किया, मेरे को इससे नहीं पता। अगर गलती कॉलेज की थी मार्क्स इन लोगों के साथ कटने का, इन लोगों ने अक्टूबर माह में, अक्टूबर का डेट था, मेरे को एक्जैक्टली डेट याद नहीं है, सितंबर में इन लोगों ने रिटर्न में कंप्लेन यूनिवर्सिटी में दिया था कि हमारे मार्क्स के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। जब रिटर्न में यूनिवर्सिटी के पास कंप्लेन सितंबर माह में थी, तो यूनिवर्सिटी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, और परीक्षा में बोर्ड इस तरह का मैनेजमेंट क्यों नहीं की कि 12 अक्टूबर को प्रैक्टिकल का वन पेपर हो जाने के बाद, और दूसरा प्रैक्टिकल 30 अक्टूबर को हो जाने के बाद, 14 अक्टूबर को मार्क्स उनके पास सबमिट हो जाने के बाद, दिसंबर में रिजल्ट निकाल देने के बाद, जनवरी में 12 जनवरी के आसपास मार्कशीट प्रकाशित कर देने के बाद, उनके पास ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि उसके बाद उनका छः महीने के बाद उनका नींद क्यों खुला? मेरा सिंपल सा यूनिवर्सिटी से एक ही जवाब था, अगर उनको ये बात का पता था कि इनके मार्क्स के साथ छेड़छाड़ी हो सकती है तो वो पहले क्यों नहीं करवाएगी, यानी कि भविष्य के साथ खेल रहे थे, वो भी खेल रहे थे, कॉलेज प्रबंधन भी खेल रहा था, दोनों खेल रहे हैं, मजा दोनों ले रहे हैं, भुगत छात्र रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आज तक कभी भी, मेरे को नहीं लगता पूरे भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा, रिजल्ट मार्कशीट जारी करके, सारा कुछ जारी करके, इवन मार्कशीट नहीं, सीएलसी माइग्रेशन जारी करके कोई एमए सेमेस्टर वन का एग्जाम दे चुका है, उसके बाद प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रहा है। बस ये हादसा यही यूनिवर्सिटी में हो सकता है, नीलांबर पीताम्बर में हो सकता है, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कि दुनिया का कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भी यही अपेक्षा करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि ऐसी जो घटना है ये दोबारा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और यहाँ के बाद जब बच्चे निकलें तो वो एक बेहतर समाज का निर्माण करें, अपना भविष्य बनाएं। कैपिटल न्यूज़ के लिए अमित कुमार।